दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 16 दिसंबर की घटना के बाद संसद ने सख्ती दिखाई, बावजूद इसके रेप जैसी घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीम राहुल के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा। सर, संसद ने सख्ती दिखाई लेकिन अभी भी मांग उठ रही है कि जब तक फांसी न हो इस तरह के वारदातें रुकेंगी नहीं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये सामने आई है, जो ये आज सामने आई है, और मैं समझता हूँ इस घटना में दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसा मानना है। जहाँ तक क्या इसका कानून बनना चाहिए क्या नहीं, मैं समझता हूँ कि उस पर जो है अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, मगर इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो भी कानून सख्त से सख्त बने, और उसके साथ साथ क्योंकि कानून तो सख्त बना दिया जाता है, आज देश में बहुत से अपराधों का कानून सख्त है, फांसी की सजा भी है बहुत, मगर फिर भी देश में वो अपराध ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए, तो ये भी हमें एक सामाजिक परिवर्तन भी हमारे देश में लाना चाहिएगा। ये हमारे भारत की संस्कृति है, यहाँ पे नारी को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है, मगर क्या कारण है कि हम इस मामले में अब जो है एक हमें ये एक तरीके से खुद भी अंतरात्मा से भी हमारी संस्कृति को इस बारे में एक विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। तो दोनों ही बातें जब चलेंगी एक साथ तभी मैं समझता हूँ आने वाले समय में यूथ हैं, देख रहे होंगे वर्क कल्चर बदल रहा है, नाइट लाइफ मुंबई की काफी फेमस रही है, वहाँ लोग कामकाज के लिए भी निकलते हैं घरों से, ऐसे में इस तरह की घटनाएं हुई होती हैं, प्रशासन कितना जिम्मेदार होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सभी को संवेदनशीलता से ऐसी जो है इस जो हमारे देश पे एक तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को कलंकित करने का जो काम ये इस तरह की घटनाएं कर रही हैं, उनको रोकने के लिए सभी को संवेदनशीलता से चलना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया है, मीडिया का भी रोल, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, संवेदनशीलता हमें बढ़ानी पड़ेगी इस प्रकार जो है, ताकि नारी का सम्मान हमारे देश में, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, हमारी संस्कृति जानी जाती थी, वो हम दोबारा से उस दिशा में बढ़े, चाहे वो कानून है लेजिस्लेचर के माध्यम से, चाहे वो जुडिशरी है, जुडिशरी को भी जल्दी फैसले देके दोषियों को तो ये केवल एक प्रशासन का या किसी एक का इसमें जिम्मेदारी नहीं, चाहे वो समाज है, सभी लोगों की जिम्मेदारी इसमें बनती है मैं समझता हूँ। और ये जो मंथन है, इस मंथन को हमें खुद से, हमें सभी संस्थाओं को अपने भीतर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, और हम दोबारा से देश को अपनी प्रतिष्ठित स्थान पर लेके जाएं, ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा का मानना है कि संवेदनशील होने की जरूरत है, दोषारोपण से भी काम नहीं चलेगा, और एक नई सोच के साथ लोग आगे आएं, समाज में जागरूकता फैलाएं। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।